ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि देखो, पहले तो हम क्या कर रहे थे, जैसे ये सरफेस ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले तो हम क्या कर रहे थे भाई, थोड़ा बहुत यहां से पढ़ रहे थे, क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, लेकिन सिर्फ एक्ट ही नहीं, आपको एक्ट के अलावा रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है भाई, बेयर एक्ट पढ़ो आप, रूल्स पढ़ो, उसके बाद ही पूरी चीजें समझ में, क्योंकि केस स्टडी है। अब केस स्टडी तो तभी समझ में आएगी ना जब ये एक्ट और रूल्स पूरा क्लियर होंगे। मोटी मोटी बातें तो हम लोग बता देते हैं, लेकिन क्या होता है कि पूरा डिटेल में थोड़ा सा वो हो जाता है। अब चलिए थोड़ा केस स्टडी पे चलते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी इसमें। जैसे ये सेक्शन 34 है, तो जैसे इसमें सरफेस एक्ट में ना एक सेक्शन 34 है। सेक्शन 34 ये कहता है कि भाई सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन इसमें नहीं है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच डीआरटी और एन अपेलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड बाय और अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एक्ट टू डिटरमिन। ठीक है, तो सरफेस एक्ट में जहां कहीं डीआरटी या डीआरएटी को पावर है, तो वहां सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है, उसका कोई ग्रीवांस है, ठीक है ना, अगेंस्ट एनी मेजर्स टेकन बाय द बोरोअर अंडर सबसेक्शन 4, द रेमेडी ओपन टू हिम इज टू अप्रोच द डीआरटी और डीआरएटी एंड नॉट द सिविल कोर्ट। तो ये एक इसके ऊपर एक केस स्टडी है कि भाई इसमें क्या हुआ, इसने जैसे मैंने बताया कि बैंक क्या करता है, एनपी डिक्लेयर करता है, एनपी डिक्लेयर करके 60 दिन का नोटिस देता है, 60 दिन में कोई जवाब नहीं आता या पैसे नहीं आते तो उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, प्रॉपर्टी एक्वायर करके बेच देता है। ठीक है, अब इसमें ऐसे ही बैंक ने प्रॉपर्टी एक्वायर की और बेच दी, ये ऑक्शन में परचेजर था बंदा, जो ये केस है, ये केस स्टडी है, समझ लो कि आप ऐसे केस स्टडी है कि भाई एक बंदे ने ऑक्शन में कोई प्रॉपर्टी परचेज की है। ठीक है, ये वो मकान है जो उसने परचेज किया। ठीक है, बैंक ने ऑक्शन कंफर्म कर दी, उसने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा दिया 25% और 75% उसने कहा कि मैं 15 दिन में जमा करा दूंगा। ठीक है, उसको पोजेशन नहीं मिला। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी थी, जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी है उसके 9 हिस्सेदार है। ठीक है, तो जैसे गांव में प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहा भाई ये तो भाई दादा लाई प्रॉपर्टी है, तो इसके तो 9 हिस्सेदार हैं, और जिन्होंने ये बैंक के नाम गिरवी रखी है ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। हालांकि फैक्ट ये था कि वो प्रॉपर्टी उनके नाम में थी, और जो उनके जैसे प्रेम जी थे, जो प्रेम जी जो इनके फोर फादर्स थे, इन्होंने कहा भाई प्रेम जी के हम खानदान के सारे बंदे हैं। ठीक है ना, और ये जो जो 3 लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी भी रखी है, अपने मकान भी रखे हैं, और इस ये एग्रीकल्चरल लैंड भी कुछ रखी है, तो इसमें तो हम भी हिस्सेदार हैं। जब हम हिस्सेदार हैं तो ये कैसे रख सकते हैं, भाई हमारा पार्टीशन करो, पार्टीशन करके प्रॉपर्टी का एचयूएफ है ना, तो एचयूएफ का पार्टीशन करके जो इनका हिस्सा है वही तो ले जा सकते हैं, सारे हिस्से पे तो नहीं बैंक का कब्जा हो सकता, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके लिए क्या किया, ये जो थे ये इन्होंने सिविल कोर्ट में एक फाइल कर दिया फॉर पिटिशन फॉर पार्टीशन। ठीक है, और परमानेंट इंजंक्शन। अब हमने सेक्शन 34 में पहले क्या पढ़ लिया, हमने सेक्शन 34 में पढ़ लिया कि हाई कोर्ट की कोई सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, ये हमने पढ़ा इससे पहले यहां, तो वो ये कहता है कि कोई सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन इसमें नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो डीआरटी या डीआरएटी में जाओ। ठीक है, ये बंदा इसने ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदी है, इसने 25% पेमेंट भी कर दी है बैंक को, बाकी 75% पेमेंट करनी है, इसको पोजेशन नहीं मिला। अब जब इसने पता करा तो पता चला भाई इस प्रॉपर्टी में तो कोई केस चल रहा, वो जो है यहाँ पर जो भी सारे जो बंदे थे उन्होंने कहा भाई ये तो जॉइंट प्रॉपर्टी है, हम तो प्रेम जी के वंशज हैं सारे, तो प्रेम जी की जो फंड्स थे उन्हीं से ही ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है। जो 3 लोग थे जिन्होंने मॉर्गेज की हुई थी बैंक को, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमने अपने पैसों से खरीदी है, इसमें हमारे अपने मकान है और जो वो भी हमारा हिस्सा है जो एग्रीकल्चरल लैंड में। तो क्वेश्चन ये था, अब आगे चलते हैं। तो अब इसमें ये आ गया कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट बाय द सेकंड रिस्पोंडेंट, अब वो पार्टीशन डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पार्टीशन के लिए अब हाई कोर्ट में चले गए, तो हाई कोर्ट ने क्या व्यू लिया, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो सूट फॉर पार्टीशन है, तो इसमें जो है सेक्शन 34 सरफेसी का जो है ये इस पे कोई बार नहीं लगाता। ठीक है, पार्टीशन पे कि पार्टीशन तो हो सकता है, तो सेक्शन 34 ये बार लगाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर
विच डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड अंडर द एक्ट। वो कहता है इसमें बार किस चीज पे है, बार ये है कि कोई भी मैटर जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल का है, उन्होंने कहा ये तो पार्टीशन का मैटर है, प्रॉपर्टी के पार्टीशन का मैटर है, तो इस पे हाई कोर्ट जो है एंटरटेन कर सकता है। क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जगदीश सिंह वर्सेस हीरा लाल का वर्डिक्ट दिया, तो उसमें भी वही केस है जो जगदीश सिंह वर्सेस हीरा लाल में, यही कहानी है कि वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो उस केस में ये कहा कि भाई हाई कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। इन्होंने कहा कि ए सूट फॉर पार्टीशन वुड नॉट बी मेंटेनेबल इन अ सिचुएशन वेयर प्रोसीडिंग्स अंडर द सर्फेसी एक्ट हैड बीन इनिशिएटेड। एक बार सर्फेसी एक्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई, उसके बाद में जो है हाई कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो सूट फॉर पार्टीशन भी उसके अंदर ही आता है, तो सूट फॉर पार्टीशन जो है इसमें मेंटेनेबल नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि भाई जो रेमेडी है, अगर कोई अग्रीव्ड पर्सन है वो सेक्शन 17 में दे रखी है रेमेडी, ठीक है, विच प्रोवाइड्स फॉर एन एफिकेशियस एंड एडिक्वेट रेमेडी टू ए पार्टी अग्रीव्ड। आगे चलते, ठीक है जी। तो पहला बात क्लियर हो गई कि सिविल कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, भाई कोई प्रॉपर्टी का मैटर आ गया। अब ऐसे केस स्टडी बना के दे सकते हैं कि जी बैंक है, जी बैंक ने प्रॉपर्टी एक्वायर की है सर्फेसी में, और वहां पर जो उसके दूसरे हिस्सेदार हैं, है ना, वो ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी थी, तो उसमें वो दूसरे हिस्सेदार जो है वो पहुंच गए कोर्ट में, कोर्ट ने एंटरटेन कर लिया, तो क्या ये ठीक है, एंटरटेन कर सकते हैं नहीं कर सकते, या क्या ऑप्शन, आप क्या एडवाइस करोगे? तो ये है कि भाई सिविल कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और उसको डीआरटी के रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैंने बताया कि एक नोटिस देना होता है, ठीक है, जो ओब्लाइजर है, एक है ओब्लाइजर और एक है बोरोअर, ठीक है। तो जो ओब्लाइजर है उसको क्या करना होता है, एक नोटिस देना होता है। अब नोटिस से क्या होता है कि भाई नोटिस में ये होता है कि वो ही कहता है एनपीए अपना अकाउंट डिक्लेयर कर देता है और उसको कहता है भाई 60 दिन के अंदर आप पेमेंट करो। अब जब वो नोटिस देता है तो उसका दूसरी पार्टी जवाब भी दे सकती है नेचुरली, जो बोरोवर है, ठीक है ना। तो जो बोरोवर जवाब देगा उसको उसका जो रिप्रेजेंटेशन है या कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको कंसिडर करना जरूरी है या नहीं, बात इसमें ये है, ये सेक्शन 13(3)(a) की बात करता है। वो ये कहता है शेल, इसमें वर्ड यूज किया गया शेल, कि भाई उसको कंसिडर करेगा, ठीक है। तो 13(3)(a) ये पढ़ लेते हैं एक बार। 13(3)(a) ये कहता है कि इफ ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस अंडर सबसेक्शन 2 द बोरोअर मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन और रेजेस एनी ऑब्जेक्शन बिफोर ए सिक्योर्ड क्रेडिटर, द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल कंसिडर सच रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन, एंड इफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर कम्स टू द कंक्लूजन दैट सच रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल और टेनेबल, He shall communicate within 1 week of receipt of such representation or objection the reasons for non-acceptance of the representation or objection to the borrower. ठीक है। तो अगर उसने नोटिस दिया है, जो obligor है, जो बैंकर है normally, उसने नोटिस दिया है borrower को और borrower अपना कोई representation देता है जिसको ये accept, ये मानता नहीं है कि भाई ये बेकार की बातें कर रहा है, ठीक है, इन्हें पैसे नहीं दे रहे इसलिए बहाने बना रहा है, लेकिन उसको कम्युनिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है, जब उसको मिला उसके एक हफ्ते के अंदर कि भाई क्या रीजन है, रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। हालांकि मैं ये बता दूं कि इसमें क्या होता है कि कोई स्टे वगैरह नहीं लगता, ये जो सर्फेसी का नोटिस आ जाता है उसको पेमेंट करनी ही पड़ती है, अगर पेमेंट नहीं करे तो वो एक्वायर कर लेगा प्रॉपर्टी, वरना यही होता था कि भाई कोर्ट में चले जाते थे। तो अब इसमें क्या है कि कोर्ट कोई स्टे या इंजंक्शन ग्रांट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उसको अगर कोई रिप्रेजेंटेशन वो दे सकता है और उसको एक हफ्ते के अंदर बताना होगा कि भाई रीजन कि भाई जो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया या ऑब्जेक्शन है तो उसको मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसमें उसकी स्वीट विल नहीं है, ये मर्जी नहीं है कि वो जवाब दे या ना दे, उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड द रीजन सो कम्युनिकेटेड और द लाइकली एक्शन ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर एट द स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रीजन शैल नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन द बोरोअर टू प्रेफर एन एप्लीकेशन टू डीआरटी Under section 17 or the court of district judge, ठीक है। तो हालांकि ये भी है कि भाई चाहे रीजन जो भी दिए उसने,
रीजन देने से ही उसको कोई राइट नहीं मिल गया कि डीआरटी में एप्लीकेशन लगा दे या जज के पास पहुंच जाए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा केस में कि भाई जो लैंग्वेज है ना सबसेक्शन 3A की, इट इज क्लियरली इंपल्सिव, इट स्टेट्स दैट द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल कंसीडर, उसको कंसीडर करनी पड़ेगी, मतलब उसको अपना माइंड लगाना पड़ेगा उस पर और उसको जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं उसकी रीजनिंग को एक्सेप्ट कर रहा। शैल कंसीडर सच रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन एंड फर्दर इफ सच रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल और नॉट टेनेबल ही शैल कम्युनिकेट द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस देयरऑफ। ठीक है, दैट द वर्ड शैल इनवेरियबली रेज ए प्रिजम्पशन दैट द पर्टिकुलर प्रोविजन इज इंपेरेटिव, दैट फर्दर देयर इज नथिंग इन द लेजिस्लेटिव स्कीम ऑफ सेक्शन 13(3)(a) which requires the court to consider whether or not the word shall is to be treated as directory in the provision. तो कहता है ये directory नहीं है, ये mandatory है, ठीक है ना? तो उसको उसको consider करना पड़ेगा, representation लेनी भी पड़ेगी और उसका जवाब भी देना पड़ेगा within a week कि भाई क्यों नहीं मैं उसको मान रहा। ठीक है, पहले इसमें कोई provision नहीं था, Supreme Court ने कहा कि section जो originally था उसमें ऐसा कोई provision नहीं था, ठीक है ना, कि भाई representation देने का या ऑब्जेक्शन रेज करने का। तो इसमें जो पार्लियामेंट है उसकी इंटेंशन ये नहीं हो सकती कि भाई डिस्क्रिशन इंसर्ट वो करना चाहते थे, ठीक है ना, एंड फॉर द डिस्क्रिशन टू इग्नोर द ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसीड टू टेक मेजर्स बी लेफ्ट विद द क्रेडिटर। वो ये नहीं चाह रहे होंगे जब उन्होंने ये प्रोविजन इंसर्ट किया कि इसकी डिस्क्रिशन क्रेडिटर के पास छोड़ दी जाए। दैट ए प्रोविजन विच रिक्वायर्स रीजंस टू बी फर्निश्ड मस्ट बी कंसीडर्ड एज मैंडेटरी, such a provision is an integral part of the duty to act fairly and reasonably and not fancifully. ठीक है, तो उसमें उसको representation लेना भी है, वो जो borrower है अपना representation दे सकता है, written communication representation, और अगर उसको वो consider नहीं करता तो उसको within a week उसको communicate करना जरूरी है, उसकी मर्जी नहीं है। आइए अब इस केस में क्या हुआ कि एक 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 और केस लेते हैं, यही केस है ऑक्शन परचेजर टू अप्रोच डीआरटी बिफोर इनवोकिंग रिट ज्यूरिसडिक्शन। अब इसमें क्या हो गया, ये ऑक्शन वाला जिसने ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदी थी वो क्या हुआ, रिट में पहुंच गया, ठीक है, उसने रिट डाल दी, डीआरटी में नहीं गया वो। तो इस केस में पीएनबी ने एक लोन फैसिलिटी दी थी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को फॉर दैट बिजनेस, ठीक है, जिनका यूपी में बिजनेस था, और बोरोवर ने क्या किया, बोरोवर ने अपने एसेट्स की सिक्योरिटी दे रखी थी, लेकिन बोरोवर ने लोन क्लियर नहीं किया और डिफॉल्टर हो गया। तो पीएनबी ने जो सेक्शन 13(4) है, 32 में नोटिस जाता है, 13(4) में इन्वोक कर लिया अपनी पावर्स, ठीक है ना। तो सेक्शन 34 क्या कहता है, सेक्शन 34 ये कहता है कि क्या मेजर्स ले सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर टू रिकवर हिज डेट सिक्योर्ड डेट फ्रॉम द बोरोवर। ठीक है, अब ये जो एपेलेंट था, जो ऑक्शन परचेजर था, इसकी बिड एक्सेप्ट कर ली, ठीक है ना, भाई जो बैंक अगर रिक्वायर कर लेगा तो वो क्या करेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं, उसने तो ऑक्शन ही करनी है ना प्रॉपर्टी, तो उसने वो प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दी और इसकी बिड एक्सेप्ट हो गई। लेकिन क्या हुआ कि कुछ पीएनबी और ऑक्शन परचेजर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। अब इसमें क्या किया, जो पीएनबी था, पीएनबी ने उससे डिपॉजिट ले रखी थी, भाई नॉर्मली क्या होता है टेंडर इश्यू करते हैं कि भैया ये प्रॉपर्टी है या ये फैसिलिटी है, ये फैक्ट्री है, जो भी कुछ है, ठीक है ना, तो इसके लिए आप बिड दो, ठीक है ना, उसने बिड दी होगी तो बिड में क्या होता है नॉर्मली सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। अब उसने कुछ फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं की, जब उसने नहीं की तो पीएनबी ने उसके डिपॉजिट फॉरफिट कर, ठीक है ना, टू मीन द ऑक्शन परचेजर ऑब्जेक्टेड बिफोर द सिंगल बेंच ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट। इसने क्या किया, सिंगल बेंच अलाहाबाद के सामने ऑब्जेक्शन रेज किया जो ऑक्शन में परचेजर था, ठीक है, उसके बाद में वो डिविजन बेंच में गई ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने एपेलेंट की जो रिट पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी ऑन द ग्राउंड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव स्टैट्यूटरी रेमेडी टू द एपेलेंट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन बिफोर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब उसने कहा अलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जो सिंगल बेंच और फिर डिविजनल बेंच ने, भैया आपके पास तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ऑप्शन है, भाई ऐसा है आपने कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं की, बैंक ने आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट कर ली, मान लिया, ठीक है, तो आप हमारे पास क्यों आ गए, आपके पास तो डीआरटी में जाओ, आप डीआरटी में रेमेडी है आपके पास, ठीक है। तो फेल्ट एग्रीव्ड द ऑक्शन परचेज अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, और ऊपर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब जो सेक्शन 17 है सरफेस एक्ट का, ये इसमें क्या बात है, इसमें बात करता राइट टू अपील की, अपील का राइट है, ठीक है, द
13 तो नोटिस की बात करता है और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है, 17 बात करता है राइट टू अपील की, ठीक है, 34 बात करता है कि कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है सिविल कोर्ट का। तो सेक्शन 17 ये क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो भी आदमी 13(4) के मेजर से एग्रीव्ड है, ठीक है, वो DRT को एप्लीकेशन लगा सकता है विद इन 45 डेज, ठीक है, जब से ये मेजर लिया गया है। तो अपेलेंट कंटेंडेड दैट उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि जो 17 में एप्लीकेशन लगाने के लिए, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने उसने क्या दलील दी, जो ऑक्शन परचेज था, उसने ये कहा कि भाई सेक्शन 17 में आपको एप्लीकेशन लगाने के लिए एक्शन कौन सा होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए 13(4) वाला। 13(4) का एक्शन उसके हिसाब से क्या था कि प्रॉपर्टी एक्वायर करने से रिलेटेड, कि भाई मैंने तो प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करी, मेरे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट करी है बैंक ने, ठीक है ना। उन्होंने कहा ये फॉरफिचर डिपॉजिट है जो है, ये तो इसमें 13(4) के मेजर में नहीं है। भाई 13(4) क्या कहता है, 13(4) ये कहता है कि अगर नोटिस का जवाब बरोबर नहीं देता तो उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लो, ठीक है। 17 ये कहता है कि भाई जो भी कोई आदमी इस मैटर से जो 13(4) में जो भी स्टेप्स लिए गए उनसे कोई एग्रीव्ड फील करता है तो वो DRT में जाओ, ये सेफ्ट विद इन 45 डेज, ठीक है। तो अब इशू जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया वो क्या था, इशू ये आया कि क्या हाई कोर्ट जस्टिफाइड था कि इन होल्डिंग दैट द रेमेडी ऑफ द ऑक्शन परचेजर लाइज इन चैलेंजिंग द एक्शन ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर इन फॉरफिटिंग द डिपॉजिट बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 17। भाई हाई कोर्ट ने उसको कहा था कि भैया आप DRT में एप्लीकेशन लगाओ, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि जो हाई कोर्ट ने कहा वो क्या ठीक कहा, ठीक है, या जो रेमेडी ऑफ ऑक्शन परचेजर इज इन फाइलिंग द रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226, ठीक है, टू एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ सच एक्शन। अब उसने आर्टिकल 226 में लगा दी थी। तो अब बेंच का क्या वर्डिक्ट आया, बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि भाई सेक्शन 17 में रेमेडी है टू ए पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय द मेजर्स टेकन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर और इज ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर सेक्शन 13(4), ठीक है। भाई 13(4) में वो प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, तो 13(4) में जो ये प्रॉपर्टी एक्वायर करने का मैटर हुआ उससे जो भी आदमी एग्रीव्ड फील करता है उसको रेमेडी प्रोवाइड करता है सेक्शन 17, ठीक है। 17 बोलता है DRT में जाओ विद इन 45 डेज। तो क्या वो जो ऑक्शन परचेजर था क्या वो भी इसमें आ जाएगा 13(4) में, ठीक है। दैट एन एक्शन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन फॉरफिटिंग द डिपॉजिट मेड बाय द ऑक्शन परचेजर इज ए पार्ट ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई ये जो है ना, ये जो एक्शन है ना सिक्योर्ड क्रेडिटर का, ये भी इसके अंदर ही शामिल है। भाई सिक्योर्ड क्रेडिटर में सिर्फ प्रॉपर्टी एक्वायर करने का ही मैटर नहीं, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब कल को मान लो उन्होंने टेंडर दिया, ठीक है, किसी पेपर में टेंडर दिया बैंक ने, अब और इसको बढ़ा सकते हैं हम। अब बैंक में मान लो बैंक वाले ने टेंडर दिया और वो जो जिस पेपर में टेंडर दिया उसकी पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो अगर पेमेंट नहीं कर रहा तो DRT में ही रेमेडी है उसकी, ठीक है ना। जो भी उस एक्शन से रिलेटेड जो जो भी चीजें हैं उन सब की रेमेडी सेक्शन 17 में ही है DRT के। तो टू डिसाइड द इश्यू एट हैंड The Supreme Court also made reference to Rules 8 and 9 of Security Interest Enforcement Rules 2002. अब आप देखिए कि आपको ये Security Interest Enforcement Rules भी पढ़ने पड़ेंगे Act के अलावा, ठीक है। Surface Act हमारा है 2002, तो ये जो Rule 8 और 9 है ये भी पढ़ने पड़ेंगे। Court ने कहा कि Section 17(2) of the Act empowers the Tribunal to examine all the issues arising out of the measures taken under Section 13(4), including the measures taken by the Security Creditor Under Rule 8 and 9 for disposal, ठीक है? तो वो भाई property purchase करके dispose of भी तो करेगा ना? तो Rule 8, 9 क्या बताते हैं? Rule 8, 9 बताते हैं कि disposal के लिए भी जो measures हैं, उसके लिए भी rules prescribed हैं, Rule 8 और 9, ठीक है? तो Rule 8 provide for sale of immovable secured asset and Rule 9 provides for time and sale, ठीक है? Issue of sale certificate and delivery of possession of the immovable secured asset, ठीक है? That expression provisions of this act and the rules made thereunder occurring in subsection 2, 3, 4 and 7 of section 17 clearly suggests that it includes the action taken under section 13(4) as well as the action taken under rule 8 and 9 which deal with the completion of sale of the secured assets. ठीक है, तो उस सेल को कंप्लीट करने में जो भी एक्शन है अगर उसमें कोई भी aggrieved party है
तो वो डीआरटी में ही जाएगा, सिर्फ बैंक की नहीं जाएगा डीआरटी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द मेजर्स टेकन अंडर सेक्शन 13(4) वुड नॉट बी कंप्लीटेड अनलेस द एंटायर प्रोसीजर लेड डाउन इन रूल्स 8 एंड 9 फॉर सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स इज फुल्ली कंप्लाइड विद बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। दैट रूल 9(5) कन्फर्स एक्सप्रेस पावर ऑन द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू फॉरफिट द डिपॉजिट मेड बाय द ऑक्शन परचेसर। वो कहता है रूल 9(5) में लिखा हुआ डायरेक्ट, तो रूल 9(5) ये कहता है कि उसमें पावर दे रखी है सिक्योर्ड क्रेडिटर को टू फॉरफिट द डिपॉजिट मेड बाय द ऑक्शन परचेसर इन केस द ऑक्शन परचेसर कमिट्स एनी डिफॉल्ट इन पेइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ सेल मनी टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। कई बार क्या होता है ऑक्शन में भी ना इंस्टॉलमेंट एग्री कर लेते हैं, भाई अभी थोड़े से ले लो थोड़े बाद में ले लेना, इस तरह से। तो उस केस में क्या होता है कोर्ट ऑफ दैट सच एक्शन इज ए पार्ट ऑफ द मेजर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13(4) एंड देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज ए मेजर टेकन अंडर सेक्शन 13(4), ठीक है। That the auction purchaser is one person, such person who is aggrieved by the action of the secured creditor in forfeiting their money and fell within the expression any person. So any person में वो भी शामिल है. Any person जो भी वो जो measures taken in section 13(4) है. 13(4) क्या है? Acquisition and sale of property, immovable secured asset. ठीक है ना? तो उससे जो भी aggrieved है, वो सारा 17 में cover होगा. ठीक है जी? And hence is entitled to challenge the action of the secured creditor PNB before the DRT by filing an appeal under section 17. ठीक है? तो भैया DRT में जाओ, High Court, Supreme Court में मत जाओ. ठीक है? आगे चलते हैं. अगला आता है कि writ petition not to be preferred when alternative remedy was available. क्या होता है? बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि High Court, Supreme Court पहुंच जाते हैं direct. ठीक है ना? तो भाई writ file कर दो सीधी. क्योंकि रिट में एक तो पैसे वैसे नहीं लगते ज्यादा, आप खुद भी फाइल कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि एडवोकेट के थ्रू फाइल करनी। आप वैसे कहीं डीआरटी वगैरह में जाओगे तो पैसे लगेंगे, वहां पर कई बार वो ये भी कहते हैं कि भाई अपील आपने करनी है तो इतने पैसे जमा करवाओ, कई चक्कर होते हैं उसमें। रिट पिटीशन तो फ्री फंड का सौदा है, ठीक है, कोई भी फाइल कर देता। तो रिट पिटीशन नॉट टू बी प्रेफर्ड व्हेन अल्टरनेटिव रेमेडी वाज अवेलेबल। अब इसमें क्या हुआ, दैट इट इज अ लॉ दैट हाई कोर्ट विल ऑर्डिनरी नॉट एंटरटेन पिटीशन। भाई हाई कोर्ट, ये लॉ है भाई, हाई कोर्ट ऑर्डिनरली किसी पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेगा कि अगर कोई इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल है, ठीक है। अगर रिस्पेक्टिव लॉ में कोई रेमेडी अवेलेबल है तो ये नहीं कि आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जंप कर जाओ, ठीक है। इन ऑल सच केसेस द हाई कोर्ट मस्ट इंसिस्ट दैट बिफोर अवेलिंग रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए पर्सन मस्ट एग्जॉस्ट द रेमेडीज अवेलेबल अंडर द रेलेवेंट स्टैट्यूट। तो जो भी रेलेवेंट स्टैट्यूट में जो भी रेमेडीज अवेलेबल है पहले उसको एग्जॉस्ट कीजिए, उसके बाद आइए अगर वहां भी कोई नहीं सुनता तो, ठीक है। दैट रूल ऑफ एग्जॉस्टन ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी इज अ रूल ऑफ डिस्क्रिशन एंड नॉट वन ऑफ कंपल्शन, बट इट इज डिफिकल्ट टू फैदम एनी रीजन व्हाई द हाई कोर्ट शुड एंटरटेन ए पिटीशन फाइल्ड अंडर 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पास इंटरिम ऑर्डर इग्नोरिंग द फैक्ट दैट अ पिटीशनर कैन अवेल इफेक्टिव अल्टरनेटिव रेमेडी बाय फाइलिंग एप्लीकेशन अपील रिविजन एटसेट्रा and the particular legislation contains a detailed mechanism for redressal of his grievance. क्या फिर क्या होता है, हाई कोर्ट भी एंटरटेन कर लेते हैं एप्लीकेशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि जब अल्टरनेटिव रेमेडी उसी एक्ट में अवेलेबल है तो हमें ये समझ में नहीं आता भाई हाई कोर्ट क्यों एंटरटेन कर लेते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है ना। और आप इंटरिम ऑर्डर पास कर देते, क्यों इंटरिम ऑर्डर क्यों पास कर देते, ठीक है ना, जब आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, अपील का राइट है, रिविजन का राइट है, एप्लीकेशन फाइल करने का राइट है, डिटेल्ड मैकेनिज्म दिया हुआ है उस एक्ट में, तो हाई कोर्ट क्यों एंटरटेन कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता हमें समझ नहीं। तो इन व्यू ऑफ द अफोरसेड ऑब्जर्वेशन द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द ऑक्शन परचेजर्स रिट पिटीशन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑक्शन पिटीशन, इसकी रिट पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया on the ground of availability of alternative statutory remedy of filing an application under section, इन्होंने कहा भाई section 17 में है, वहां जाओ आप before DRT, ठीक है, आप जो PNB ने आपके security deposit forfeit की है इसके लिए वहां जाओ। तो इसी तरह से हम और भी कोई केसेस सोच सकते हैं कि भाई सेल से रिलेटेड, सेल की कोई एडवर्टाइजमेंट है, कोई ऑक्शनियर की कॉस्ट है, सेल की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है ना, तो हम कुछ भी चीजें एनविसेज कर सकते हैं केसी से रिलेटेड, मान लो कोई भी हम क्वेश्चन हमें केस स्टडी बना के पूछ ले तो हम उसका आंसर दे सके, ठीक है। इन द केस द ऑक्शन परचेजर वाज ग्रांटेड लिबर्टी टू अप्रोच द कंसर्न डीआरटी अंडर सेक्शन 17 ऑफ सरफेस एक्ट विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। उन्होंने कहा
कि भाई हम हमारे जो ऑर्डर है उसकी 45 दिन के अंदर आप अपील फाइल कर दो, डीआरटी में चले जाओ, आगे चलो। तो टेक अवे क्या हुआ इसमें, इन द केस द सुप्रीम कोर्ट हैज सेटल द लॉ दैट नॉट ओनली द बोरोअर, ठीक है, सिर्फ बोरोअर ही नहीं बट एवरी ऑक्शन परचेजर कैन अप्रोच डीआरटी अंडर सेक्शन 17 इफ ही इज एग्रीड बाय एनी ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर सेक्शन 13(4), ठीक है। जो अदर अथॉरिटी विच स्टेट्स द सेड लीगल प्रिंसिपल इज सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन इन द केस ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सत्यवतु टंडन एंड अदर्स। इस केस में भी क्या हुआ, इसमें कोर्ट ने सरफेस एक्ट के प्रोविजंस को डिटेल में स्टडी किया एंड क्वेश्चन रिगार्डिंग इन्वोकेशन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर और आर्टिकल 226 की पावर को भी जो है ना डिटेल में स्टडी किया। उन्होंने क्या कहा, इन द केस द कोर्ट स्टेटेड दैट द एक्सप्रेशन एनी पर्सन यूज्ड इन सेक्शन 17(1) इज अ वाइड इंपोर्ट, इट टेक्स विद इन इट्स फोल्ड नॉट ओनली द बोरोअर बट ऑल्सो द गारंटर, कोई गारंटर होगा वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, और एनी अदर पर्सन हु मे बी अफेक्टेड बाई द एक्शन टेकन अंडर सेक्शन 13(4) और सेक्शन 14। Both the tribunal and the appellate tribunal are empowered to pass interim orders under section 17 and 18 are required to decide the matters within a fixed time schedule. ठीक है, ये आगे देखते हैं। एक और भी इसमें यही उसी से related है कि article 226 cannot be invoked if alternative statutory remedies are available. तो supreme court ने कहा कि भाई अगर statutory forum created है for redressal of grievances तो writ petition आपको entertain नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और फाइनेंशियल मैटर्स में ग्रांट ऑफ एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर्स कैन हैव अ डेलेटेरियस इफेक्ट। कई बार क्या होता है कि हाई कोर्ट वगैरह भी ना इंटरिम ऑर्डर पास कर देते हैं, ठीक है। तो एक केस था उसमें क्या हुआ कि अपील चैलेंज हाई कोर्ट्स ऑर्डर स्टेइंग फर्दर प्रोसीडिंग्स एट द स्टेज ऑफ सेक्शन 13(4) ऑफ द सिक्योरिटी सर्फेस एक्ट, ठीक है, ऑन डिपॉजिट ऑफ 3,50,000 विद इन 2 वीक्स, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है कि हम इंटरिम ऑर्डर देते हैं, आप 3,50,000 रुपए जमा करा दो, एन अपील अगेंस्ट द सेम वाज डिसमिस्ड बाय द डिवीजन बेंच। तो डिवीजन बेंच ने क्या करा, डिवीजन बेंच ने उसके अगेंस्ट में उसने अपील फाइल कर दी, जो भी एग्रीड पार्टी थी, तो डिवीजन बेंच ने उसकी अपील डिसमिस कर दी, ठीक है। क्या कहा, दैट काउंटर एफिडेविट हैविंग बीन फाइल्ड इट वुड बी ओपन फॉर द अपेलेट बैंक टू सीक क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन वेरिएशन ऑफ द इंटरिम ऑर्डर, ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया एक काउंटर एप्लीकेशन फाइल्ड है तो उसमें आप देख लेना, उसमें आप क्लेरिफिकेशन ले लेना। तो appellants in the case contended that the loan account of the respondent was declared NPA and the outstanding dues इतने उसके dues थे। तो नोटिस के बाद भी रिस्पोंडेंट ने पैसे नहीं दिए तो 13(2) का उसको नोटिस दिया गया और पोजेशन नोटिस दिया गया 13(4) का। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ किया और उन्होंने कहा कि भाई सरफेस एक्ट अपने आप में कंप्लीट कोड है, ठीक है, उसमें सारा रिकवरी मैकेनिज्म दे रखा है 17 में, ठीक है, और हाई कोर्ट को जो है उसको एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था रिट पिटीशन को। इन व्यू ऑफ द एडिक्वेट अल्टरनेटिव स्टैट्यूटरी रेमेडीज अवेलेबल टू द रेस्पोंडेंट द इंटरिम ऑर्डर वाज पास्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डेट। जो इंटरिम ऑर्डर हाई कोर्ट ने पहली डेट को भी पास कर दिया विदाउट एन अपॉर्चुनिटी टू द अपेलेट, अपेलेट को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी टू फाइल अ रिप्लाई। द रिट पिटीशन ऑट टू हैव बीन डिसमिस्ड एट द थ्रेशोल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटेनेबिलिटी। तो ये रिट पिटीशन तो आपको वहीं पर ही रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी। दैट द डिस्क्रिशनरी ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 इज नॉट एब्सोल्यूट। उन्होंने कहा ये जो एक्चुअली इसको इसलिए भी डिस्कस करना जरूरी है कि ना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड है। देखिए वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमसे पूछता है वो क्या करते हैं, 2-3 चीजों को मिक्स भी कर सकते हैं। भाई सरफेसी को मिक्स कर दिया, डीआरटी को मिक्स कर दिया, लिमिटेशन एक्ट को मिक्स कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को भी मिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो अब कुछ चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी पढ़ रहे हैं इसमें, तो इस तरह से मिक्स करके भी वो स्टडी बना देते हैं। तो इसमें ये कहा जो डिस्क्रिशनरी ज्यूरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल 226 ये एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन इसको जुडिशियली एक्सरसाइज करना है। नॉर्मल रूल तो क्या है, नॉर्मल तो ये है कि भाई अगर स्टैट्यूटरी रेमेडीज अवेलेबल है तो आप एंटरटेन ही मत करो, ठीक है, एक्सेप्ट इन केसेस फॉलिंग विद वेल डिफाइंड एक्सेप्शंस, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई कुछ वेल डिफाइंड एक्सेप्शन है तो उसी केस में आप एडमिट कर सकते हो, रिट अदरवाइज एडमिट आप नहीं कर सकते। तो व्हाइल इट कैन बी सेड दैट दिस कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड सम एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ अल्टरनेटिव, भाई इन्होंने कहा ठीक है एक्सेप्शंस हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कभी कभी एडमिट कर सकते हो, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, चाहे अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल भी हो कोर्ट में भी, ठीक है ना। वो कहां हो सकती हैं, where the statutory authority has not acted in accordance with the provisions of the enactment in question.
वहां पर उसके हिसाब से वो काम नहीं कर रहा बंदा, और इन डिफाइंस ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर, ठीक है ना, और एज रिसोर्टेड टू इनवोक द प्रोविजंस व्हिच आर रिपील्ड और व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड इन टोटल वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो अगर ऐसा कुछ हो फिर तो रिट पिटीशन बनती है, बट हाई कोर्ट विल नॉट एंटरटेन ए पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव रेमेडी इज अवेलेबल टू द अग्रीव्ड पर्सन। Therefore, when a statutory forum is created by law for redressal of grievances, a writ petition should not be entertained ignoring the statutory dispensation. आगे देखते हैं। So, with reference to the instant case, the Supreme Court noted that the grievance did not fall within any of the exceptions. उन्होंने कहा भाई ये कोई exceptional case तो है नहीं, ठीक है? अब court ने इस case में उन्होंने object of surface act को भी discuss किया। तो उसमें ये कहा कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है इसमें क्या के पास कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था इन कंपैरिजन टू अदर पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इनके पास कोई पावर ही नहीं थी टू टेक पोजीशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेल देम। अब ये जो फ्रेमवर्क बनाया जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क था सर्फेसी आने से पहले रिलेटेड कमर्शियल ट्रांजैक्शन हैड नॉट केप्ट पेस विद द चेंजिंग कमर्शियल प्रैक्टिसेस एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स रिजल्टिंग इन टार्डी रिकवरी ऑफ defaulting loans and mounting NPAs of banks and financial institutions. फिर नरसिम्हन कमेटी बनी 1 and 2 और फिर ये अंधार्जुना कमेटी बनी constituted by the central government. इन्होंने कुछ suggest किया कि भाई कोई नया legislation लाया जाए for securitization and empowering banks and financial institutions. कि भाई bank जो है possession ले सकें security का और उनको बेच सकें without court intervention. ठीक है, तो इसमें court की intervention नहीं है। आप देखिए क्या होता है कि नोटिस आपने एनपीए डिक्लेयर करना है, आपने 60 दिन का नोटिस देना है, उसका जवाब दे, उसको माल कंसीडर कर लेना है, लेकिन जवाब से ये रुकेगा नहीं प्रोसेस, ना ही वो कहीं इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकता, उसकी प्रॉपर्टी तो एक्वायर होगी ही होगी, तो प्रॉपर्टी एक्वायर होगी, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो डीआरटी में जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट वगैरह का कोई ज्यूरिसडिक्शन इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा इसका पर्पज भी ये था कि भाई बैंक जो है उनके पास कोई रिकवरी मैकेनिज्म ही नहीं था, तो इसमें ये कहा कि विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन जो है बैंक पोजीशन ले सके। भाई सिक्योरिटी आप क्रिएट कर रहे हो तो सिक्योरिटी का मतलब क्या अगर उसको आप एक्वायर ही नहीं कर सकते, ठीक है। विच वुड इनेबल देम टू रियलाइज लॉन्ग टर्म एसेट्स, मैनेज प्रॉब्लम्स ऑफ लिक्विडिटी एसेट लायबिलिटी मिसमैचेस एंड इंप्रूव रिकवरी द प्रोसीडिंग्स अंडर द रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डीआरटी एक्ट विद पैसेज ऑफ टाइम हैड बिकम सिनोनिमस विद दोस बिफोर रेगुलर। उन्होंने कहा भाई धीरे धीरे डीआरटी भी रेगुलर कोर्ट की तरह ही बन गया, ठीक है ना। एफेक्टिंग एक्सपेडिशियस एडजुडिकेशन ऑल दिस एस्पेक्ट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन माइंड एंड कंसीडर्ड बिफोर पासिंग द इंप्यूंट ऑर्डर। तो ये चीज आगे देखते हैं दैट इन फाइनेंशियल मैटर्स ग्रांट ऑफ एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर कैन हैव डिटेरियस इफेक्ट, ठीक है। उन्होंने कहा फाइनेंशियल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो वहां पर रेमेडी अवेलेबल वहीं पर जाओ, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोन्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दे आर ग्रांटेड फ्रॉम पब्लिक मनी जनरेटेड एट द टैक्स पेयर्स एक्सपेंस, ठीक है। ये उस बंदे की प्रॉपर्टी नहीं है जिसने लोन ले लिया, ठीक है ना, ये तो पब्लिक मनी है जिसको वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में यूज कर रहा है, ठीक है। तो टाइमली रीपेमेंट जो है उससे क्या होता है लिक्विडिटी इंश्योर होती है और दूसरे आदमी को लोन मिल सकता है, ठीक है ना, बाय सर्कुलेशन ऑफ मनी। और ये नहीं कि वो ब्लॉक करके बैठ जाए और फालतू के जो लिटिगेशन के चक्कर में जो है, और वो कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि इस लिटिगेशन की लग्जरी को अफोर्ड ना भी कर पाए, ठीक है ना। तो ये बात इसमें जो पिटिशनर का केस था, पिटिशनर ने ये कहा कि बैंक रॉन्गफुली प्रोसीडेड अंडर द सर्फेसी, ठीक है। बैंक जो है इट रॉन्गफुली प्रोसीडेड अंडर द सर्फेसी ऑन द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द नोटिस, ठीक है। और इन्होंने कहा कि भाई एक और केस था इसमें कहानी क्या है, लिमिटेशन एक्ट की बात आ रही है। इन्होंने कहा कि भाई लिमिटेशन एक्ट भी तो बार करता है कोई, और ये वो केस खत्म हो गया, अब ये दूसरा केस समझ चल रहा। तो इस केस में क्या बात हो रही है, वो ये कह रहा है कि भाई आपका जो क्लेम है ये तो बार्ड बाय लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो आपने जो नोटिस दिया 13(2) का, ये नोटिस ही वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि 36 जो है 36 ऑफ द एक्ट वो क्या कहता है कि secured creditor shall be entitled to take all or any of the measure for recovery of debt as mentioned under section 13(4) unless his claim in respect of the financial asset is made within the period of limitation prescribed under the limitation act. उन्होंने कहा आप section 38 पढ़, 36 पढ़ लो। तो 13(6) कहता है कि भाई आप कोई भी measure ले सकते हो,
अगर वो बार्ड नहीं है तो लिमिटेशन एक्ट से, अगर लिमिटेशन एक्ट के अंदर है तो। उन्होंने कहा ये तो लिमिटेशन से पहले ही पार हो चुका है। तो ये कहा कि भाई, पिटीशन ने और कहा कि जो क्लेम ऑफ द बैंक है ना, इट हैज टू बी विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। तो जब आप प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हो तब से लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा, उसने नोटिस पीरियड से काउंट होगा, ठीक है। He contended that mortgage of the immovable property in the subject was created in 1997, ठीक है? Mortgage तो इसकी 1995 में हुई थी। तो अब अगर limitation act के हिसाब से चला जाए तो 2007 में हो जाना चाहिए था केस। भाई immovable property के केस में मालूम है कि 12 साल है, ठीक है, movable में 3 साल है, ठीक है, ये तो हम पढ़ी चुके हैं transfer of property में। तो moreover the ये limitation में भी, moreover the last installment in respect of the loan account was paid by the petitioner in October इतना, and taking the same into consideration the notice जो है, इट कैन नॉट बी सेट टू बी विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। उन्होंने कहा इससे पहले ही मैं पेमेंट कर चुका हूं, तो मेरा जो है ये तो लिमिटेशन पीरियड से पार हो चुका है, तो लिमिटेशन अब क्यों ये एक्वायर करना चाह रहे हैं। बैंक ने कहा डिफरेंट बैंक क्लेम दैट द इंप्यूड नोटिस टू द प्लेंटिफ वाज विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड दैट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैड स्टॉप्ड ऑन द डेट व्हेन द बैंक हैड फाइल्ड द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 19 ऑफ द। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, सरफेसी में आने से पहले इनकी तो आरडीबी एक्ट में भी प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, तो जब आरडीबी एक्ट में हमने प्रोसीडिंग शुरू कर दी तो लिमिटेशन तो वही खत्म हो गया, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो वहां स्टॉप लग गया ना, हमने तो पहले सरफेसी में तो अब आए हम, नोटिस तो हमने अब दिया है 13(2) का, उससे पहले आरडीबी में प्रोसीडिंग चल रही है हमारी, ये तो हमने 2001 में शुरू कर दी। भाई 95 में मॉर्गेज हुई थी, 95 से आप कहते हो 12 साल तक लिमिटेशन पीरियड चलता है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हमने तो आरडीबी में 2001 में केस फाइल कर दिया। तो ये जो प्रोसीडिंग है अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट ऑफ 1993 आर येट टू वेट इन फाइनलिटी, अब वो प्रोसीडिंग अभी फाइनल हुई नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब ये सरफेसी आ गया तो हम सरफेसी में एक्शन ले रहे हैं। जैसे अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है जो वाइंडिंग ऑफ पिटीशन लोगों की है, अब जब से आईबीसी आया आईबीसी में लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, वो कह रहे हैं वहां ज्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है, तो यहाँ आ जाते हैं हम इस तरह से। तो दैट द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट ऑफ 1993, उन्होंने कहा अभी तो फाइनल होनी है आरडीबी एक्ट में जो प्रोसीडिंग है, एंड वंस सच प्रोसीडिंग्स कल्मिनेट इनटू अ सर्टिफिकेट द बैंक वुड हैव अ पीरियड ऑफ 12 इयर्स टू एक्सिक्यूट द सर्टिफिकेट। कहते हैं ऐसा है, वहां से हमें सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी मिल जाएगा ना एक बारी, तब से 12 साल का पीरियड काउंट करेंगे हम तो, ठीक है ना। इसमें क्या फाइंडिंग आई, उसमें ये कहा कि नोटिस बाय बैंक अंडर सेक्शन 32 ऑफ द सर्फेसी एक्ट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो सेक्शन 13(2) ऑफ द सर्फेसी एक्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर मे रिक्वायर द बोरोअर बाय नोटिस इन राइटिंग टू डिस्चार्ज इन फुल हिज लायबिलिटीज टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर। भाई 13(2) कहता है मोटा मोटा 60 दिन के अंदर अपनी लायबिलिटी दो, ठीक है ना, नहीं तो वो रिकवरी शुरू कर सकता है, ठीक है। 36 सर्फेसी एक्ट का क्या कहता है कि वो नहीं कर सकेगा अगर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है तो, ठीक है। अब लॉ रिलेटेड टू बार ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइड्स दैट वंस द लोन हैज बीन सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 62 ऑफ द शेड्यूल अपेंडेड टू द लिमिटेशन एक्ट वुड अप्लाई व्हिच प्रोवाइड्स अ पीरियड ऑफ 12 इयर्स फ्रॉम द डेट व्हेन द मनी बिकम्स ड्यू, ठीक है। ये केस है, तो उसके इसमें क्या कहा कि शेड्यूल से आपका आर्टिकल 62 है ऑफ द शेड्यूल, ठीक है, जो लिमिटेशन एक्ट के साथ लगा हुआ, तो उसमें ये कहता है कि 12 साल का पीरियड आपसे कब से काउंट करना है, जब आपकी मनी ड्यू हो गई तब से काउंट करना, ठीक है। अब इसमें फैक्ट्स क्या थे, तो पिटिशनर ने जो है इसमें क्रेडिट फैसिलिटी ली थी बैंक से, ठीक है। बैंक ने क्या किया, आरडीबी एक्ट में चला गया सेक्शन 19 में अगेंस्ट द पिटिशनर, ठीक है, बिफोर द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कोलकाता, और फिर बैंक ने उसको 13(2) का नोटिस दे दिया सरफेसी में। पिटिशनर ने कहा कि भाई ये जो बैंक ने नोटिस दिया ये बार्ड है भाई लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, सेक्शन 36 पढ़ लो आप। कोर्ट की रूलिंग क्या थी, कोर्ट की रूलिंग ये थी कि बैंक का क्लेम्ड है बार्ड है, इट इज बार्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो कोर्ट ने कहा कि भाई अंडर ऑर्डिनरी लॉ द बैंक हैड लॉस्ट द रेमेडी टू रिकवर डेट फ्रॉम द पिटीशनर बाय वे ऑफ मॉर्गेज एज द लिमिटेशन ऑफ 12 इयर्स एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 62 हैड एक्सपायर्ड। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये तो पीरियड तो एक्सपायर हो चुका है 95 के हिसाब से, अगर आप 12 साल लोगे तो 7 में हो गया। तो फिर कोर्ट ने कहा, द कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स राइट टू इनवोक रेमेडी अंडर सर्फेसी एक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंड डिस्पाइट द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट ऑफ 19। उन्होंने कहा भाई आरडीबी एक्ट में आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, आरडीबी एक्ट 93 में आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन सर्फेसी एक्ट की प्रोसीडिंग इंडिपेंडेंट है, ठीक है,
एंड द रेमेडी हैज टू बी लुक्ड एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट सच एन एक्शन मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 36। उन्होंने कहा भाई जब सर्फेसिंग एक्ट में आप नोटिस देख रहे हो तो सर्फेसिंग रिक्वायरमेंट देखोगे, सर्फेसिंग में 36 ये कहता है कि अगर लिमिटेशन में आ गया तो आप कुछ नहीं एक्शन ले सकते। एंड द राइट टू प्रोसीड इज सब्जेक्ट टू द एडहेरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एज एनश्राइंड इन द लिमिटेशन एक्ट 1963। ठीक है, तो कोर्ट ने ये भी कहा कि इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस द सिक्योर्ड क्रेडिटर कुड नॉट हैव इशूड अ नोटिस अंडर सेक्शन 13(2)। उन्होंने कहा इसको नोटिस ही नहीं इशू करना चाहिए था आपको, आपने 2011 में इशू किया। एज द सेम वाज बार्ड बाय लिमिटेशन ऑफ सच द टाइम टू फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी हैड एक्सपायर्ड इन 2001 इटसेल्फ। तो 2001 में ही जो है ये एक्सपायर हो चुका था, वो फैक्ट्स के ऊपर होगा जो भी होगा। तो बात ये थी कि मतलब आपकी चाहे कोई इसमें ये था कि भाई चाहे आरडीबी एक्ट में प्रोसीडिंग चल रही है तो अब इसी तरह से कोई केस स्टडी बना सकते हैं कि भाई एक आदमी की प्रोसीडिंग पहले आरडीबी एक्ट में चल रही है, अब सर्फेसी एक्ट आने के बाद बैंक उसको नोटिस दे देता है, ठीक है, डेट ऑफ लोन ये है, तो क्या ये बैंक का एक्शन सही है, ठीक है, या आप इसके एडवाइजर हो जो बोरोवर है तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे, इस तरह से कुछ बना सकते हैं। ठीक है जी, तो लिमिटेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 19 ऑफ रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कोर्ट ने कहा कि जो इशू ऑफ लिमिटेशन है ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर एक्ट ऑफ 1993 इज एन इशू व्हिच शुड बी डिसाइडेड बाय द डेट रिकवरी बिफोर विच द सेट प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। उन्होंने कहा भाई जैसा है, जैसे इसमें ये भी कह रहा था कि भाई जब आरडीबी एक्ट में जब सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी हमें इशू हो जाएगा उसके वहां से हम 12 साल काउंट करेंगे, उनका ये इशू डीआरटी वाले जानेंगे, ठीक है ना, वो डीआरटी जिसके सामने पेंडिंग है। हम तो ये सर्फेस एक्ट की बात कर सकते हैं, भाई सर्फेस एक्ट में जो नोटिस दिया वो गलत दिया, लिमिटेशन एक्ट पीरियड पार हो चुका है, आप सर्फेस का नोटिस नहीं दे सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इसमें पॉइंट ये आता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन नॉट इनवोक सेक्शन 14 ऑफ द सर्फेस एक्ट आफ्टर सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट। ठीक है, अब ये सेक्शन 14 से रिलेटेड है, सेक्शन 14 ऑफ सर्फेस एक्ट। इस केस में क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता हैज हेल्ड दैट अ सिक्योर्ड क्रेडिटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवोक द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14 ऑफ सर्फेसी एक्ट। ठीक है भाई, सर्फेसी एक्ट में ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू असिस्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर इन टेकिंग पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट। भाई हमने ये पढ़ा है कि एनपीए डिक्लेयर करेगा बैंक, ठीक है, एनपीए डिक्लेयर करके 60 दिन का नोटिस देगा और प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा। प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए पुलिस या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसकी भी असिस्टेंस चाहिए होगी लेगा। अब इसमें बात ये आ गई, सेल हो गई, एक्वायर करी, सेल हो गई, तो क्या उसके बाद में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की असिस्टेंस मिल सकती है, क्वेश्चन ये था। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें नहीं मिल सकती। अब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तुम्हारा ठेका थोड़े ले लिया, तुम्हें पोजीशन दिला दिया, पोजीशन लेके तुमने उसको बेच दिया, अब बेचने के बाद भी तुम कह रहे हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमें असिस्ट करे, कहानी यहाँ पर है। ठीक, तो पर्सुएंट टू द सेल ऑफ एन इमोवेबल प्रॉपर्टी ओवर विच इट क्लेम्स ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इस केस में क्या हुआ था कि पिटिशनर ने डायरेक्शन मांगी थी फ्रॉम कंसर्न डीएम टू कंसीडर एंड डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन मेड बाय द पिटिशनर अंडर सेक्शन 14 ऑफ द सर्फेसी एक्ट। ठीक है, सेक्शन सर्फेसी क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू असिस्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर इन टेकिंग पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट। ठीक है, उन्होंने कहा भाई पोजेशन की बात है, पोजेशन कब है, वो जब पहले ओरिजिनल पोजेशन लेना है उसको, ये नहीं कि पोजेशन ले लिया उसके बाद में सेल हो गई, सेल के बाद में जो जिसके सेल हुई वो पोजीशन लेने की बात कर रहा है। देखो दोनों चीजें अलग अलग, ठीक है, तो यहाँ पर बात है। तो द पिटिशनर कंटेंड दैट इवन दो द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा भाई सेल तो इस प्रॉपर्टी की हो चुकी है, ठीक है, द सेड एप्लीकेशन हैड नॉट येट बीन कंसीडर्ड बाय द मजिस्ट्रेट, दैट द पिटिशनर इन द केस प्रेड फॉर एन एक्सपेडिशियस डिस्पोजिशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14। अब पिटिशनर ने कहा कि भाई सेक्शन 14 ऑफ सर्फेस एक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू सेल और ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, द पिटिशनर फर्दर कंटेंडेड दैट द लेजिस्लेचर हैड यूज्ड सच टू वर्ड्स, पहला सेल और दूसरा ट्रांसफर, फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड द सेल एंड ट्रांसफर आर नॉट सिनोनिमस। उन्होंने कहा भाई सेल और ट्रांसफर में अगर कोई असिस्टेंस चाहिए तो डीएम असिस्टेंस देगा। इन्होंने कहा सेल और ट्रांसफर दो अलग अलग वर्ड है। ठीक है, दैट द टर्म ट्रांसफर इन सेक्शन 14 इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अलाउइंग द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू पास ऑन पास और हैंड ओवर पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू थर्ड पार्टी। उन्होंने कहा ये जो ट्रांसफर वर्ड जो यूज किया गया ना, ये जब बैंक प्रॉपर्टी एक्वायर करके जब दूसरे को सेल करेगा उसके लिए यूज किया गया, तो भैया हमें भी असिस्टेंस दो, डीएम की असिस्टेंस हमें भी मिलनी चाहिए ट्रांसफर के केस में भी। ठीक है,
सेल तो हो गई पर ट्रांसफर नहीं हो पा रही, ट्रांसफर में भी तो मैं सिस्टम तो हमारे को कहानियां है। देयरफॉर इवन इफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर हैड सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी ए सिक्योर्ड क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू इनवोक सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट। ठीक है, अब इसमें जो स्टेट का रिप्लाई क्या था, स्टेट का रिप्लाई ये था कि भाई द मोमेंट द सिक्योर्ड क्रेडिटर सेल्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, भाई सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है, बैंक है, बैंक ने जब इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी तो उसका कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं रह गया उस सिक्योर्ड एसेट में, एंड एन सच सिक्योर्ड क्रेडिटर शुड नॉट बी परमिटेड टू इनवोक द प्रोविजंस ऑफ सरफेस एक्ट। तो उस पे प्रोविजन ये सरफेस एक्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे सेल होने के बाद में। तो अब बेंच का क्या वर्डिक्ट था, बेंच का इसमें ये वर्डिक्ट था कि क्या इशू क्या था, इसमें इशू ये था कि वेदर ए सिक्योर्ड क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू इनवोक द प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट सेक्शन 14 ऑफ द सरफेसी एक्ट सबसिक्वेंट टू द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओवर विच इट क्लेम्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हवाला दिया कि भाई सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर में केस था, उसमें कहा कि वर्ड सेल एंड ट्रांसफर आर नॉट सिनोनिमस। ठीक है, द वर्ड ट्रांसफर यूज्ड एज ए वर्ब मींस दैट ए पर्सन इज कन्वेइंग और रिमूविंग फ्रॉम वन प्लेस और वन पर्सन टू अनदर और इज पासिंग और हैंडिंग ओवर समथिंग टू अनदर पर्सन। इट कैन ऑल्सो मीन चेंज ओवर ऑफ द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ ए गिवन थिंग। ट्रांसफर इज देयरफॉर वाइडर देन सेल। उन्होंने कहा ट्रांसफर सेल से भी वाइडर टर्म है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो मीन चेंज ओवर ऑफ द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ ए गिवन थिंग। ट्रांसफर इज देयरफॉर वाइडर देन सेल एज नोटेड अबव। इट मे इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ मेकिंग ओवर ऑफ पोजीशन। The word transfer used in section 14 therefore can mean making over of possession of an immovable property. It is contended by the petitioner that since the word transfer used in section 14 includes an act of making over of possession, the petitioner as the secured creditor can legitimately invoke section 14. Unka section 14 lag sakta hai. Theek hai? Even after a conveyance in respect of an immovable property sold has been executed and registered. With respect, this contention of the petitioner overlooks the fact that the right title and interest of the secured creditor and the vendor stands transferred. ठीक है भाई, इसमें क्या है, इसका तो right transfer हो चुका ना, और ये तो purchaser के पास आ गया upon the execution and registration of the deed of conveyance which is otherwise duly stamped on and from the date of such document, the secured creditor ceases to have any interest in respect of the immovable property. Therefore the secured creditor does not retain any further right to meddle with the immovable property under the provisions of the code in order to invoke section 14. ठीक है ना भाई, उन्होंने कहा सिक्योर्ड क्रेडिटर ने पोजीशन ले लिया, प्रॉपर्टी बेच दी, तो प्रॉपर्टी बेचने के बाद में थोड़ी है सेक्शन 14 वो इनवोक कर सकता है, उसका तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, वो तो सिक्योर्ड क्रेडिटर रहा ही नहीं, जबकि ये सेक्शन सिक्योर्ड क्रेडिटर की बात करता है। तो इस केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने जो है पिटिशनर की प्रेयर को डिसमिस कर दिया और कहा कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है retains the right to obtain possession of the immovable property even after execution and registration of the deed of conveyance in favor of the purchaser is misplaced. The court further held that the transfer of immovable property by way of a sale can be done by a deed of conveyance duly executed, stamped and registered under the Registration Act. तो अभी क्या है, थोड़ा सा इसको हमने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा और केस लॉज देखते हैं। तो उससे क्या है, जब हम केस लॉ से चीजों को देखेंगे ना तो हमें प्रोविजंस ज्यादा क्लियर होंगे। भाई जब हम कोई पर्टिकुलर केस स्टडी देखेंगे तो क्या है 13, 14, हम उसको और ध्यान से देखेंगे क्या है उसमें, 17 है, 34 है, 36 है, तो उस आने कम से कम ये सेक्शन तो हम पढ़ लेंगे ना सरफेस एक्ट के, उसके अलावा रूल्स भी पढ़ने हैं आपको, रूल 8, 9। उससे क्या है कि भाई ये कॉन्टेंशियस इश्यूज होते हैं कुछ, उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस होती है, डेफिनेशन तो हमें याद करनी ही करनी है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे तो सही रहेगा। बाकी आप समझ लीजिए कि एग्जाम तो थोड़ा डिफिकल्ट होता ही जा रहा है, तो जब एग्जाम डिफिकल्ट होता जा रहा है तो हमें भी तैयारी अपनी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। अभी तक क्या है, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, ठीक है, कोई सरफेस एक्ट वगैरह पूरा नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब ये है कि एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके रूल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है ना। और वही 100 आवर्स की अगर आप स्टडी करें तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप एक बात और भी समझिए कि देखिए
सौ नंबर तो आपको लेने नहीं है, अगर आपका सारा ही सही हो गया फिर तो सौ ही आ जाएंगे। देखो नंबर कटने वाली तो कोई बात ही नहीं इसमें, ठीक है ना। अगर आपका 20 नंबर का भी गलत हो गया, मान लो 80 का भी सही हो गया, ठीक है, आप एग्जांपल ले लेते हैं, 80 नंबर का सही है, 20 का गलत है, अगर 20 का गलत हो तो कितने कटेंगे आपके, 20 के नंबर आपके 5 कटेंगे, फिर भी आपके 75 नंबर आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई 20 का तो छोड़ दें, 20 का गलत कर दें, फिर दिक्कतें आती। तो अगर हम सार अगर मान लो 20 नंबर हम सारा अटेम्प्ट कराए, ठीक है, हमने सोच लो, आप सोचो कि हमने 40 का गलत कर दिया, 40 का गलत कर दिया तो फिर हम फेल हो जाएंगे, ठीक है ना, फिर हमारे नंबर आएंगे 50, क्योंकि 40 में से माइनस 10 और 60 के 60 में से माइनस 10 तो 50, ठीक है। लेकिन अगर हम 20 नंबर का भी गलत कर देते हैं, सोचो आप, अगर हम 30 नंबर का भी गलत कर देते हैं तो भी पास हो रहे हैं। अगर 30 नंबर का हमने गलत किया तो हमारे 7.5 नंबर कटते हैं, और 70 में से 7.5 कटेंगे तो 62 आ जाएंगे। तो आप सोचिए कि अगर नंबर कट रहे हैं या नहीं आ रहे या पास होने में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब हमें अपना और बढ़ाना है। तो विद दिस थैंक यू ऑल, कल करते हैं हम इसको।